तो भाई अगर आप लोगों को भी पैसे की ज़रूरत है इमरजेंसी में, अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं और आप सबके पास है सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड और आप सबका सिविल स्कोर जो है वो मिनिमम है यानी कि 650 और 700 के बीच में है, तो आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। आप लोग लाइव प्रूफ मोबाइल के स्क्रीन पर देखेंगे कि मुझे यहाँ पे 20,000 का अमाउंट अप्रूवल मिल चुका है और अमाउंट जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में डिसबर्स भी हो चुका है। तो अगर आप लोग भी है लोन के लिए परेशान तो इस एप्लीकेशन से एक बार जरूर ट्राई करेंगे। कैसे आप लोगों को इसके अंदर अप्लाई करना है कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए जो है एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले गाइस आप लोग इस एप्लीकेशन को यहां पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोगों को यहां पे लैंग्वेज चूज करना है, तो हिंदी या इंग्लिश अपना लैंग्वेज को चूज करेंगे और सबमिट वाले पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है जिस नंबर से आप लोग यहाँ पे साइन अप करेंगे, तो अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसे दोनों बॉक्स में आप लोगों को चेक मार करना है और उसके बाद सबमिट वाले पे आप जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पे आप सबके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे और सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, फोन, फाइनेंशियल, लोकेशन, कैमरा का, तो आप लोग को यहाँ पर देने होंगे, तो इस दोनों बॉक्स में चेक मार करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू है, इस वाले पे आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन का मांगेगा तो अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद जो भी आएगा सबको यहाँ पर अलाउ करेंगे। उसके बाद आप लोग के सामने अब कुछ इस तरीके से पेज आएंगे, तो यहाँ पे गाइस आप लोग को गेट इंस्टेंट कैश अप टू 25,000 रुपए तक का लोन जो है वो मिल सकता है। तो आप लोग लोन को लेना चाहेंगे तो इस बॉक्स में यहाँ पर चेक मार करेंगे और यहाँ पे अप्लाई नाउ है, इस वाले पे आप लोगों को क्लिक करने हैं। जैसे ही इस वाले पे आप लोग क्लिक करेंगे तो उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए कि कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो आप लोग के सामने आएगा। पहला स्टेप यहाँ पे आप लोग को अपना पिन कोड फिल करना है, यहाँ पे आप लोग अपना सिटी को फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टेट को चयन करेंगे और उसके बाद एड्रेस लाइन 1 फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 2 को फिल करेंगे, ओनरशिप टाइप को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सबका खुद का है तो ओनर रेंट पर रहते हैं तो रेंट वाले को आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे और उसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आप लोग को फिल करने हैं। वेरीफाई वाले पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, डाल करके वेरीफाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे सभी स्टेप को फिल कर लिए हैं, मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर लिए हैं, नेक्स्ट वाला है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग को लोन का डिटेल्स आएगा, ठीक है, तो लोन डिटेल्स में आप लोग जितना राशि यहाँ पर लेना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे कम ज्यादा करेंगे, जितना अमाउंट आप लोग यहाँ पर लेना चाहते हैं। मिनिमम यहाँ पे है 3,000 का राशि और मैक्सिमम यहाँ पे है 25,000 का राशि, तो आप लोग यहाँ पर जितना राशि को लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 20,000 का राशि लेना चाहता हूँ तो 20,000 के अमाउंट को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर पर्पस पूछेगा, रीजन किस लिए आप लोग इस लोन को यहाँ पर लेना चाहते हैं, ट्रेवल के लिए या फिर आप सब दूसरे लोन पेमेंट करने के लिए, जिस लिए आप लोग यहाँ पर लेना चाहते हैं या फिर मेडिकल नीड है, जो है अपना यहाँ पर आप लोग जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रेवल के लिए सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे टेन्योर पूछा जाएगा कि आप लोग कितने मंथ के लिए इस लोन को लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फिलहाल देखिए कि 6 मंथ का समय मिला है, 6 मंथ के लिए लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर EMI शेड्यूल आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर वीकली मिलेगा तो वीकली वाले पे आप लोग क्लिक कर लेंगे, ठीक है, मंथली होगा तो मंथली वाले पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन आएगा इस वाले पे आप लोगों को क्लिक करने हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे गाइस तो उसके बाद देखिए कि योर लोन एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू में चला गया है, ठीक है, तो आप सबका जो लोन अमाउंट है वो यहाँ पर योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू में जाएगा। तो यहाँ पर 1 से 2 दिन का समय यहाँ पर लिखा हुआ है कि लग सकता है आप सबका रिव्यू में, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ समय वेट करेंगे। अगर आप सबका क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक होगा तो आप सबको यहाँ पे अप्रूवल जो है वो मिल जाएंगे। तो अब गाइस आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पे 20,000 के अमाउंट के लिए जो है यहाँ पे अप्रूवल हो चुके हैं। आगे अब हमको प्लीज कंप्लीट KYC करना है, ठीक है, उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 2 दिन लिखा हुआ रहेगा लेकिन 1 से 2 दिन नहीं लगेगा, कुछ ही समय में आप सबका बता दिया जाएगा। अगर अप्रूवल मिलेगा तो आप सबका आगे का स्टेप कंप्लीट करने का ऑप्शन आएंगे, अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो आगे का स्टेप आप सब जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए यहाँ पे 20,000 का जो अमाउंट है वो यहाँ पे अप्रूवल हो चुका है। तो आगे अब हमको KYC यहाँ पर करना है। KYC में यहाँ पर लगेंगे सेल्फी लगेगा, ठीक है, और पैन कार्ड लगेगा, तो एक सेल्फी और एक पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे
सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे जो है क्लिक करना है। तो अपना क्लियर पैन कार्ड का फोटो और सेल्फी को अपलोड करेंगे और सबमिट वाले पे जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर इंटर योर बैंक डिटेल्स होगा, ठीक है, बताया जाएगा कि आप लोग जिस बैंक अकाउंट में पैसा को लेना चाहते हैं उस बैंक का डिटेल्स यहाँ पर ऐड करें। तो आप लोग अपना अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, ठीक है, और आईएफएससी कोड यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद इस बॉक्स में चेक मार्क करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो आप लोग जिस बैंक अकाउंट में पैसा को लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट का डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर डालने हैं और नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई होगा, ठीक है, आप सबका जो बैंक है वो यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। तो अपने पेज को कट या रिफ्रेश नहीं करेंगे, 2 मिनट का समय लगेगा, आप लोग यहाँ पर वेट करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर देखिए कि लोन का पूरी डिटेल्स आप लोग को बताया जाएगा, जैसे कि लोन अमाउंट जो है वो 20,000 रुपए है, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा डिटेल्स में पहले ही बताया जाएगा, ईएमआई अमाउंट कितना बनेगा वो भी डिटेल्स में है। ईएमआई यहाँ पर देखिए कि वीकली है, ठीक है, टेन्योर यहाँ पे 12 वीक के लिए लोन मिल रहा है, और उसके बाद मंथली इंटरेस्ट रेट कितना लगाएगा यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। तो सब कुछ डिटेल्स आप लोग को पहले ही यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि आप सबका लोन अमाउंट कितना है, ईएमआई कितना है, मंथली ईएमआई कितना बना हुआ है, यहाँ पर वीकली पेमेंट करना है या मंथली पेमेंट करना है, पहले ही आप लोग को यहाँ पर बताए जाएंगे। और उसके बाद अगर आप लोग लोन को लेना चाहते हैं तो इस दोनों बॉक्स में चेक मार्क करेंगे और नेक्स्ट वाले पे जो है आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सबके मोबाइल नंबर पे जो है एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर सबमिट वाले पे जो है क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए कि लोन अमाउंट जो है वो अंडर डिस्बर्सल में यहाँ पर चला गया है, 20,000 का अमाउंट जो है वो यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 से 2 वर्किंग डेज यहाँ पर लगेगा, लेकिन आप सबको जो है कुछ ही समय में आप सबके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो क्रेडिट कर दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर कुछ समय वेट करेंगे, पैसा आप सबके बैंक अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लोन ले सकते हैं। अब तो यहाँ पे गाइस 1 से 2 दिन का समय लिया जाएगा, लेकिन आप सबको यहाँ पे कुछ ही समय में पैसा जो है वो आप सबके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप लोग पूछेंगे एप्लीकेशन का नाम क्या है, आप लोग आएंगे प्ले स्टोर पर, आने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेंगे, बेटर प्लेस लिख करके सर्च करेंगे, इसका लोगो कुछ इस तरीके से दिया गया है इसी एप्लीकेशन से, अभी जो मैंने आप लोगों को डिटेल्स बताए हैं।